सो तीन फैक्टर्स हैं, मेटाबॉलिज्म, मसल मास और एक्टिविटी। जितना ज्यादा मतलब मसल मास होगा उतना ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है। जितना हाई और फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाने पड़ेंगे। सिमिलरली जितना आप ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं आपकी कि आप लाइफस्टाइल काफी अगर हाई लाइफस्टाइल आप एथलीट हैं देन देखो हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि कितने कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। सो आज मैं आपको वही बताने लगा हूं। देखो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कितने कार्बोहाइड्रेट्स की नीड है। तो सबसे पहले जो मेन फैक्टर है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज जितना ज्यादा आपका हायर मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी को कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसका रीजन ये भी है कि सपोज अगर जब आप रेस्ट पे हैं तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी हाई होगा जिसकी वजह से आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये आप पे डिपेंड है या आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई है या फिर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है हमारा मसल मास। देखो इसमें एक पॉइंट है कि बाय लॉजिक ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स जितना ज़्यादा आपका मसल मास होगा उतना ज़्यादा आप कार्ब्स खा सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे एथलीट्स और क्लाइंट्स देखे हैं जहाँ पे वो ज़्यादा मसल मास में भी वो कम कार्ब्स में उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर देती है और जब वो ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं तो वो बॉडी फैट परसेंटेज पकड़ना शुरू कर देते हैं, उनकी बॉडी फैट परसेंटेज हाई चल जाती है। सो ये भी एक फैक्टर है आपके कार्ब्स की रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करने के लिए। और जो तीसरा है हमारा एक्टिविटी। तो जैसे आजकल का लाइफस्टाइल है, आप अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर आपकी फील्ड जॉब है या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, आप 8 से 10 या आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, देन आप ट्यूशंस पे जा रहे हैं, अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। सो मोर एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी विल लीड टू द मोर कार्ब्स रिक्वायरमेंट। इसमें आपका प्री, इंटर और पोस्ट कार्ब्स आपके ज़्यादा अपने आप वो इंक्रीज कर जाएंगे। सो अब एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि देखो जैसे आजकल के बहुत सारे मैं इन्फ्लुएंसर्स और फिटनेस यूट्यूबर्स देख रहा हूँ कि वो कीटो डाइट पे करते हैं, जीरो कार्ब पे करते हैं। जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना बिकॉज हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी जब भी आप जीरो कार्ब पे जाएंगे देन आपका मेंटल अलर्टनेस और कॉग्निटिव फंक्शन एबिलिटी डिप मारेगी, कम होगी। अनलेस यू आर कम्पीटिंग इन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन या फिर आप कोई टारगेटेड फोटोशूट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप कीटो डाइट पे या जीरो कार्ब पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट से आपको अपने कार्ब्स को कट नहीं करना है। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज नंबर एक हमेशा मोटिवेशन होता है एंड ऑल अच्छी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मैं लेके आता जाऊंगा। एंड मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा अगर आपको कोई भी कोचिंग के रिलेटेड पर्सनल 1-to-1 आपको कोई सेशन चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओवर एंड आउट। थैंक यू।